welcome back to Travelocorn. I am at home right now. As you all know, quarantine chal raha hai sabka, and I hope all of you doing really well. Matlab sab ghar pe rehna, bahar mat nikalna, stay safe and healthy. And I know ghar pe rehte rehte kafi bore ho rahe honge sab log, so that's the reason why I'm making this video, and it's a kind of a vlog type ka main video bana rahi hu ghar pe. It's not a very set and talk video. Let's chit and chat. And इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अगर घर पे हो एंड अगर आप बोर हो रहे हो तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन ऐड टू योर डेली लाइफ कि उससे आप थोड़ा बोर कम हो गए एंड यू विल फील फ्रेश. सो आई हैव माय सिस्टर विद मी टुडे हु इज गोना जॉइन माय वीडियो. ओह हाय, माय नेम इज ज़ारा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. वेक यू अप. चिड़े जैसे मत फैला के रखो. ठीक है घर पे रहना, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्लीन दैट स्पेस प्लीज. आई एम गोइंग टू कट ऑफ माई सिस्टम. कूल पावर. ज़ारा वो हो चुका है. पॉइंट नंबर वन, जैसे आपको सबको लोग बताएंगे सुबह जल्दी उठो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ. जितने बजे उठना है उठो, बट एटलीस्ट ट्राई टू वेक अप बाई 10 or 11 मैक्सिमम. पर कीप नोट ऑफ वन थिंग, आप जितने बजे भी उठो ना, 5 मिनट लो, जस्ट 5 मिनट, एंड डू अ ब्रीदिंग योगा. ब्रीदिंग योगा कैसे करते हैं आई माई टेल यू इन माई, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, बट अभी के लिए गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर 5 मिनट ब्रीदिंग योगा. एंड क्लियरली बहुत ईजी है, इट विल जस्ट हेल्प यू इनहेल ऑक्सीजन मोर, एंड आपको पूरा दिन थोड़ा और फ्रेश फील होगा, क्योंकि घर पर बैठे बैठे आई नो काफ़ी लो फील हो रहा है. सो जस्ट स्टार्ट विद दैट. माई सिस्टर इज टू शाई टू शूट इट, सो आई विल से इट माई सेल्फ. पॉइंट नंबर टू इज टू वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर. आप दिन भर में जितनी बार यू लाइक यू नो यू आर फीलिंग अ बिट लो और अच्छा नहीं फील कर रहा है कहाँगी, गो वॉश योर फेस विथ कोल्ड वाटर, स्प्लैश योर फेस विथ सम कोल्ड वाटर. एंड इवन इफ यू और ज़्यादा एकदम ही लग रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, देन गो टेक अ बाथ विथ कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत बनाना, बिकॉज दैट विल मेक यू मोर कम्फर्टेबल एंड यू विल फील मोर स्लीपी. Also let me know if you want me to make a sit and talk video with my sister where we do the sister tag and we you ask random questions about us and we answer. So let me know that. Point number 3 is listen to good music. Yes, you can listen to good music. मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप अरिजीत सिंह का या कोई सैड म्यूजिक इस टाइम पर सुनो. प्लीज डोंट डू दैट. आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ हिम. आई रियली लाइक हिज वॉइस, आई लाइक हिज सॉन्ग्स, बट अभी ऑलरेडी काफ़ी सैड चल रहा है सब कुछ अगल बगल, तो ट्राई टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक. हार्ड इन चेक पूजा का गाना सुन लेना. नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 इज दैट प्लीज कीप अपडेटेड विद द न्यूज़. डोंट वॉच इट 24/7. दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर द एल्डर्स एंड फॉर योर मदर्स एंड फादर्स, लाइक इफ देयर मदर्स एंड पेरेंट्स, फॉर योर पेरेंट्स. सो अगर आप यू नो घर पे मोस्टली बड़े लोग जो है वो 24 घंटे न्यूज़ देख रहे हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी sad about everything. I know it is a very sad situation right now, but you need to keep up your mood because that matlab wo sab ruin kar dega, you won't be able to survive this 21 days. So try karo ki keep your ki aap news dekho, but don't overdo it. Try to do something productive and something good meanwhile too. Ignore my sister please. Point number 5 is play some energetic music while working. जब आप काम कर रहे हो तो ट्राई कि आप ना बिल्कुल बोर होकर काम ना करो, क्योंकि आई नो इस टाइम किसी का काम करने का एंड सब कुछ मन नहीं कर रहा है. जब आप काम कर रहे हो प्ले सम सॉफ्ट म्यूजिक या फिर पॉप म्यूजिक, जैसा भी आपको पसंद है, सम नाइस म्यूजिक कि आपको आपका मतलब यू नो मूड फ्रेश रहेगा, तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे. पॉइंट नंबर 6, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. Lime juice, glucose, cold so, drinks, everything. No, I won't suggest to drink cold drink. Ignore it. Sorry. It's good to keep yourself hydrated. Pura din aap hydrated rakhoge to aapko fresh bhi feel hoga. The best thing is that you can have juice. Juice bhi available nahi hoga agar. Haan, that's in short. Try to have a lot of juices. Ya fir agar juice abhi aap nahi bahar se kya purchase nahi kar sakte ho, keep a box of glucose and keep drinking it. Then mein ek se do baar aap pee lo, to you will feel really good. Like after doing that, अगर वो भी नहीं है तो just make a mixture of a bit of sugar with a pinch of salt and you're good to go. Point number seven ये है कि इतने time से ना हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें Netflix chill करना है, हमें books पढ़ने हैं, हमें movies देखनी है, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है, और अब जब time मिला है तो we are just sad about it. I know
But ये 21 days है, you can learn a new language, you can learn how to paint, you can learn how to do yoga, watch series, binge watch like movies, read books, do whatever you want to do. Yeah, K-drama, whatever you like, do it. मतलब बाद में regret मत करना कि यार 21 दिन मिले थे, अब सब कुछ ठीक हो गया तो नहीं किया. अभी time है, कर लो, feel good about yourself और timing, क्योंकि already माहौल काफ़ी sad है. Point number 8, be in touch with your friends. तो you know social distancing is difficult for us because we are social animals. हमें आदत है बाहर निकलने की, लोगों से मिलने की. तो do one thing कि आप video calls कर सकते हो daily. एक time बना लो कि आप अपने friends के साथ एक साथ group video call करोगे, talk to them and try to talk to them something apart from what is happening right now. मतलब जितना इसके बारे में बात करोगे यू विल फील मोर सैड अबाउट इट. एवरीबडी इज़ अपडेटेड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करके अपना यू नो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. टॉक अबाउट समथिंग एल्स. पॉइंट नंबर 9, ईट गुड फूड बट ईट लेस बिकॉज दैट विल मेक यू फील लेजी इफ यू होल्ड ऑन. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे ना तो इन एंड आपको सिर्फ नींद आने वाली है, कुछ नहीं होगा, यू विल गो एंड यू विल स्लीप एंड द डे इज़ गॉन. तो ट्राई टू ईट लेस, क्योंकि वैसे भी हम लोग कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वॉकिंग इवन, बहुत कम ही ऐसा कुछ हो रहा है. तो ट्राई टू ईट लेस एंड ट्राई टू ईट हेल्दी. थोड़े पकौड़े और ये सब खाना कम करना, मतलब फॉर टाइम बींग ईट अ बिट हेल्दी ऑफ फूड, दैट विल मेक यू फील गुड. स्पेशली अलॉट ऑफ फ्रूट्स, बट आई नो फ्रूट्स यहाँ पे इस टाइम मतलब डेली मिलना भी मतलब इतना पॉसिबल नहीं है. सो जो भी कर सकते हो, स्प्राउट्स हो गए, एड लाइम टू वट एवर यू कैन, दैट रियली हेल्प. द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जब सुबह उठ रहे हो डेली, तो यू नो जब हमें बाहर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, मेकअप करो यार, खुश रहो. हमें जब ऑफिस जाना होता है तो वी जस्ट गेट अप, वी गेट ड्रेस्ड एंड हमें वो इंस्टेंटली फील मतलब अच्छा लगता है. जब आप सुबह उठ रहे हो ये मत सोचो कि कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है. गेट अप, टेक अ बाथ, यू नो पुट योर फेवरेट क्लोथ्स, ड्रेस अप, मेकअप लगाना है मेकअप करो, जो करना है करो, बिकॉज दैट विल इंस्टेंटली लाइटन अप योर मूड. इट विल इंस्टेंटली लाइटन अप योर मूड, बिकॉज अगर आप देखोगे ना कि आपको अच्छे लग रहे हो, फिर आपका ना मूड भी अच्छा लगेगा एंड योर होल डे विल बी अ बिट बेटर. मतलब दैट्स माई लॉजिक. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सम रियली नाइस परफ्यूम. मतलब परफ्यूम अच्छा रहेगा तो स्मेल अच्छी आएगी एंड स्मेल अच्छी आती है तो अच्छा लगता है. और मेरे आँख में कुछ अलग है. आप लोग ऑल मतलब पूरा दिन घर पे रहना है एंड यू नो जहाँ पे आप बैठ रहे हो स्पेशली टेक केयर कि आप वो जगह जो हो एटलीस्ट वो क्लीन हो. इट मेक्स यू फील गुड अबाउट इट, क्योंकि अगर आप वहीं बैठना है, आप कचड़े में बैठे रहोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, आप चाहे जो कर लो. सो मेक श्योर कि आप दिन भर जहाँ पे रहने वाले हो वो जगह थोड़ी साफ सुथरी हो. मेक इट लाइक यू वॉन्ट इट, मतलब जैसे आपको उसको रखना है अच्छे से बट रखो. एंड द लास्ट पॉइंट इज, हाँ द लास्ट पॉइंट इज, डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ नाइस ब्यूटी स्लीप. मतलब रात में अगर आपको सोना है आराम से सो, देर इज नो कोई टेंशन नहीं है आपको सुबह जल्दी उठना है ये करना वो करना है, आराम से सो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत सोना, बट टेक अ गुड स्लीप. सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. मैंने बहुत कैजुअल वीडियो रखी थी, आई डिड नॉट वॉन्ट इट टू बी लाइक एन इंस्ट्रक्टर एंड टेल यू एवरीथिंग. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वट एवर आई डू एंड मैं फ्रीलांस करती हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम एंड आई एम नॉट ट्रैवलिंग. तो मुझे पता है कि घर पर काफ़ी लो फील हो सकता है, सो दैट्स वाई आई प्लान दिस. एंड मैंने सिस्टर अपनी बहन को इसलिए इस वीडियो में लाया था क्योंकि वो बहुत बड़ी जोकर है और थोड़ा सा लाइटन अप और अप फील करोगे. सो लेट मी नो इफ यू वांट टू सी अस टुगेदर. हम लोग ज़्यादा वीडियो साथ में बनाना अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बनाएं तो लेट मी नो. चाहती नहीं है बट हम फिर भी बनाएंगे एंड शी विल बी इन माई को दिस 21 डेज डेली व्लॉग्स बिकॉज आई एम ऑल्सो बोर्ड. या सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डेली हर दिन हर 21 डे एक एक वीडियो आएगी. सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर इट विद all of your friends and family, because sab bore ho rahe honge and everybody would get a booster from this. I hope you liked it. See you tomorrow, same time, same channel, and yeah, iska ped bhi dekh raha. Yeah, bye. I'm gonna go get some more.
We'll be right back.